क्या होगा अगर आपकी आंखों में फेविक्विक चला जाए तो? क्या आपकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी या फिर आप अंधा हो जाओगे? और यूएसबी केबल में इन दोनों सेट क्यों दिया जाता है? पेन के रिफिल के अंदर आपने इस तरह की लिक्विड तो जरूर देखा होगा और सोचा भी होगा कि आखिर ये क्यों दिया जाता है। मिलेगा सबका जवाब, जिसे सुनने के बाद आप भी यही बोलोगे, मजा आया। नेक्स्ट फैक्ट, भारत की ऐसी तीन टीचर जिनको पूरी इंडिया के लोग पसंद करते हैं। नंबर थ्री पर है बिकर्ष दिव्या कीर्ति सर। भारत में यूपीएससी तैयारी करने वाला ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो इनको नहीं जानता हो। इनका पढ़ाने का अंदाजा सबसे अलग है। इन्होंने हजारों बच्चों का आईपीएस आईएएस बनने का सपना सच में पूरा किया। नंबर टू पर है फिजिक्स वाला अलक पांडे। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा टीचर है जिनका कोई हेटर्स नहीं मिलेगा। जहाँ नीट और जेडब्ल्यू प्रिपरेशन नाम पर लाखों रुपया लिया जाता है, वही फिजिक्स वाला उससे भी अच्छा कंटेंट नाम मात्र फीस के ही अवेलेबल कर दिया। नंबर वन पर है खान सर पटना। बिहार के रहने वाले खान सर कठिन से कठिन चीजों को सरल और मजेदार तरीके से पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कई गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देकर जिंदगी बना दी। हालांकि सब टीचर ही टैलेंट नहीं होते हैं, कुछ तो ऐसे भी होते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। नेक्स्ट फैक्ट, क्या होगा अगर आप मोबाइल को डायरेक्ट चार्ज करने लगे तो? क्या मोबाइल दो मिनट में ही फुल चार्ज हो जाएगी या फिर एक बम की तरह फट जाएगा? हम जानते हैं कि चार्जर जितना ही वोल्ट का होता है उतना ही फास्ट चार्जिंग होता है। अब तक 64 वाट का ही फास्ट चार्जिंग आया है, लेकिन हमारे घर में बिजली आते है 200 वोल्ट की। अगर आप फोन को डायरेक्ट चार्ज करने लगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, न ही चार्ज होगा न ही फटेगा। आपको चार्ज होता हुआ देखेगा, लेकिन चार्ज असल में। नेक्स्ट फैक्ट, यूएसबी केबल के अंदर आपने ये दो सेट तो देखा ही होगा, आखिर ये होल क्यों देते हैं? कई लोगों के ये बस डिजाइन ही लगते, लेकिन असलियत में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दरअसल यूएसबी डाटा ट्रांसफर या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए इन होलों को दिया जाता है। अगर यूएसबी केबल लूज होगा तो सही से काम नहीं करेगा, इसीलिए इस टाइप की दो होल दिया जाता है। और यूएसबी जहाँ पर अटैच किया जाता है उसमें दो कील होते हैं जो कि इस होल के अंदर फिट हो जाते हैं और सही से काम कर सके। नेक्स्ट फैक्ट, भारत की इतिहास की ऐसी एक जोट जो हम सच मानते आ रहे हैं। दरअसल गांधी जी की इस डायलॉग को तो आपने सुना ही होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने थप्पड़ मारने के लिए दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि ये डायलॉग महात्मा गांधी ने कभी बोला ही नहीं था। दरअसल इसको फेमस बनाया है बॉलीवुड वालों ने। और एक बात आपके लिए, संजय दत्त की किस मूवी में ये डायलॉग बोला गया था कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। नेक्स्ट फैक्ट, ये फैक्ट सुन के आपको खुशी होगी अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो। एक स्टडी में ये पता चला है कि ज्यादातर इंटेलिजेंट लोगों का ही हैंडराइटिंग खराब होता है, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग जब लिखते हैं तब उनका ब्रेन यानी कि दिमाग तेज चलता है और हाथ या पेन धीरे धीरे चलता है। मतलब दिमाग की सोचने का स्पीड और लिखने का स्पीड मिलते नहीं है, इसीलिए हैंडराइटिंग खराब हो जाता है। बाकी आपकी हैंडराइटिंग खराब है या अच्छा है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट फैक्ट, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया की पहली एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री कौन है, आप में से ज्यादातर लोगों ने सोचा होगा ये कोई आदमी ही होगा, लेकिन पहली एस्ट्रोनॉट एक एनिमल थी। जी हाँ, लाइका नाम की ये डॉग थी पहली एस्ट्रोनॉट, जिसे द सोवियत यूनियन की सरकार ने 3 नवंबर 1957 में अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना किया था, लेकिन अंतरिक्ष यान में ज्यादा गर्मी के कारण इसकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट फैक्ट, 20 साल की नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स में 88.06 मीटर भाला फेंक कर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता और अपना देश का नाम भी रोशन किया। नीरज ने बताया कि उन्होंने जेबलिन खेल पूरा यूट्यूब पर वीडियोस देखकर ही सीखा था, क्योंकि उनमें जुनून था सीखने का। चाहे तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप में जुनून है तो ढेर सारा जुनून लेकर इस वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट फैक्ट, अपने कई पेन के रिफिल के अंदर ये लिक्विड भरा जरूर देखा होगा और अपने सोचा भी होगा कि आखिर ये क्यों देते हैं। तो गाइस, आपने देखा होगा कि कुछ पेन ज्यादा दिन होने के बाद सूख जाता है और खराब हो जाता है, और कभी कभी तो पीछे से इंक भी निकल जाते हैं और हमारे पॉकेट खराब हो जाते हैं। इन्हीं सब प्रॉब्लम से बचने के लिए वाटर और बायोपॉलीमर से बने हुए लिक्विड को रिफिल के अंदर दिया जाता है, ताकि कंपनी के पेन ज्यादा दिन तक चल सके। नेक्स्ट फैक्ट, इंडिया जब आजाद नहीं हुआ था तब ₹1 की कीमत $13 के बराबर हुआ करता था। फिर 1947 में भारत आजाद हुआ था तब ₹1 की कीमत $1 के बराबर हो गई। फिर धीरे धीरे भारत पर कर्जा बढ़ने लगा तो कर्जा चुकाने के लिए इंदिरा गांधी ने रुपया की कीमत कम करने का फैसला किया। उसके बाद आज तक रुपया की कीमत घटती ही जा रही है और आज के दौर में पूरा उल्टा हो गया, यानी कि $1 ₹75 से भी ज्यादा हो गया। फैक्ट नंबर वन के पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप में से ज्यादातर तो लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, पता नहीं क्यों। एक सब्सक्राइब करने से आपको कोई लॉस नहीं होगा, उल्टा आपको फायदा ही होगा, तो देर किस बात की, प्लीज अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो। अगर पहले से आपने कर रखा है तो आपको तहे दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट फैक्ट, क्या होगा अगर गलती से आपकी आंखों में फेविक्विक चले जाए तो? क्या आपकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी या फिर आप अंधा हो जाओगे? तो जवाब है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, फेविक्विक एक सुपर ग्लू है जो कि किसी भी चीज को चुटकियों में चिपका देते हैं, पर अगर आपकी आंखों में चले जाए तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन होते रहते हैं और ये आसानी से निकल भी जाते हैं पानी से आंख धोने पर। लेकिन ऐसा सिचुएशन में आपकी डॉक्टर के पास ही जाना जरूरी है। कि इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको पता चले आप कितना इंटरेस्टिंग चीज देखते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।